비교가 나왔죠. बताइए अंदर कैसे जाने को भाई हैं। अभी अभी अनुमति मांगते हैं, मांगिए जल्दी, पहले आप मांगिए, इनको छोड़ दीजिए। चलिए अभी आप मांगिए अनुमति। हाँ हाँ जैसे जिस तरह से ये गोलीकांड हुआ है तो उसके लेकर क्या कहना आप लोगों का? भाई जिस तरीके से बात है ये खुलेआम ये साजिश है, कुछ लोगों की मिली हुई साजिश है। अभी वो भी हम नाम मुझे मालूम है साजिश करता कौन कौन है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। इसी साजिश के तहत जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जब भी घर से पुलिस उठा के कभी हीरोइन ले गई, कब किसी नेता से टकराव हुआ, तो कभी न किसी का 302 किया कि इन्होंने, न किसी घर से उठा के कभी गांजा बेचवाया गया, कभी हीरोइन बेचवाया गया, यही इनका केस था। और ये इतना बड़ा कोई केस नहीं था, एक इनके राइफल लाइसेंस जो है रिन्यूअल में वकील को कचहरी का दिया गया, कचहरी के वकील ने फ्रॉड करके रिन्यूअल कराया। उस केस को इतना बड़ा बाउंडर बनाया गया, और जिस मुख्तार से 2004 के बाद जो है कोई मुलाकात नहीं, उस मुख्तार के साथ इनको ज़बरदस्ती जोड़कर मेरा घर तोड़ा गया, गिरफ्तार हुआ मेरा भाई वर्दी में, बावर्दी पुलिस में जो है वो गिरफ्तार हुआ। उसके बाद जो है मेरे ऊपर 3 केस किया गया बनारस प्रशासन ने, जो मैं रेलवे से मैं रिटायर आदमी हूँ, आज तक कभी 107-16 नहीं हुआ, कभी कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं रहा। क्या नाम है आपका, नाम क्या भैया? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। कौन है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, और ये जानबूझ के वहाँ से ट्रांसफ़र करा के चित्रकूट किया गया, ये साजिश करके कि इस तरीके से इनको मरवाना है। ठीक, मेरा भाई चला गया, मैं क्या कहूँगा बताइए, जेल सुरक्षित जगह है, वहाँ पर मेरा भाई मारा गया, मैं क्या कह सकता हूँ बताइए। कर्मचारी का मिले असलहा अंदर जा सकता है, आप बताइए, अगर जेल के कर्मचारी इधर से गोटी होती है, यहाँ से असलहा कैसे गया अंदर, बगैर मिली भगत से असलहा अंदर जा सकता है? जेल प्रशासन ऊपर तक से मिल के ये जानबूझ के ये हत्या कराई गई है। नहीं इतना इसमें का